हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं भाई, क्या बात है। पढ़ाई करने आए हो ना? यस, पढ़ाई करने तो आई है। हाल चाल ठीक है? यस सर, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। क्योंकि यार तो अपने घर में सेफ हूँ और कहीं निकलता उकलता नहीं, ऐसा कुछ बोल रहे हो ना? मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको क्लास ट्वेल्व का फिजिक्स। और क्लास ट्वेल्व की फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे मतलब कि प्रकाश की तरंग सिद्धांत का टॉपिक है, प्रकाश का ध्रुवण। यस, इसके पहले उन्होंने तमाम टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, आप उसको देखकर आए भी होगी ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और अगर नहीं देख के आए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, वहाँ से देख के आ जाओ। और प्रकाश का ध्रुवण ना, इतनी टॉप भाषा में, इतनी बढ़िया हिंदी भाषा में पढ़ाऊंगा ना कि तुमको एकदम बेशक आएगा, कहोगे यस सर हमने तो इतना टॉप सीख लिया, आज मज़ा आ गया हमारे को तो। लेकिन पीछे का अगर क्लियर है तभी ना, अगर नहीं क्लियर है तो भी आ जाएगा भैया आराम से। देखो मुंह मत बनाओ अपना, मुंह बना रहे हो क्या? नहीं बना रहे हो ना, कोई बात नहीं। तो मुझे पहचान रहे हो ना, बहुत दिनों बाद देख रहे हो, क्या लगता है? नहीं, बहुत दिन बाद तो नहीं देख रहे हैं सर जी, लेकिन बहुत दिन बाद ही देख रहे हैं, बट पहचान रहे हैं कि आई एम योगेश सिंह है ना। मैंने बता दिया आप तो, तुम क्या पहचानोगे? तो जानते हो, तो आज आपके लिए रोचक चीज़ है ना कि मैं तीन पन्ने का एक नोट बनाया हूँ और उस तीन पन्ने के नोट्स को मैं आपको दे रहा हूँ। पहले आप उसको क्या करना, पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर अपनी कॉपी पहले पूरी कर लेना, क्योंकि मैं नोट्स ही पढ़ाता हूँ, ठीक है ना? नोट्स ही पढ़ाऊँगा आपको। आई मीन कहने का मेरा मतलब यही है कि अगर देखो मैंने यहाँ पर आपको नोट्स अभी देना है तो कभी कभी बच्चा बोलता है कि सर नोट्स आपका क्लीन नहीं आया है, तो मतलब कि यूट्यूब के कॉर्नर में तीन बिंदी का इंटरफेस होता है, वहाँ पर जाओगे तो क्वालिटी देखो ना, पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी तो 240 पे होगा, तो कहाँ से बढ़िया आएगा? 360 या 480 पे कर लोगे, एकदम HD फोटो आएगा। आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, फोटो मतलब कि पूरा करते रहना कॉपी अपना और समझते हैं। लेकिन पहले आप इसको नोट करो फटाक से। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे नोट्स को आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए, अगर आप पहला पेज नंबर देख रहे हो नोट्स का, तो हेडिंग पढ़ी है ध्रुवण, यानी कि प्रकाश का ध्रुवण पढ़ा है, और हेडिंग पढ़ी है ध्रुवण की संकल्पना की बात हम करने जा रहे हैं। ज़रा देखो, तो आप सभी तो इतना तो जान ही गए हो कि प्रकाश क्या है, एक तरंग है, हाइपोथेसिस। अच्छा, हमने इस पार्ट के शुरुआत में हाइगेंस के बारे में पढ़ा था, हाइगेंस का नाम सुना होगा आपने, और अगर आप देख रहे हो नोट्स तो आपने वहाँ पे लिखा होगा हाइगेंस के अनुसार एक मतलब वैज्ञानिक थे। हाइगेंस के अनुसार शुरुआत में हमको पता नहीं क्या क्या बता दिए, इनके बातों में सुधार किया गया तो आगे की टॉपिक कुछ क्लियर हुई हमारी। तो हाइगेंस के अनुसार अगर आप पहले टॉपिक को देख पा रहे हो तो लिखे हो प्रकाश एक यांत्रिक तरंग है, प्रकाश एक मैकेनिकल वेव है। क्या बोले हाइगेंस साहब ने, क्या शुरुआत में बोल रखा था? प्रकाश एक मैकेनिकल वेव है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हाइगेंस ने क्या कहा था, चूंकि ये वाला टॉपिक पूरा थियोरेटिकल है, लेकिन मजा बिल्कुल मैं ला दूंगा, बिल्कुल मजा आने वाला है। क्यों मोगली? मोगली कौन है यहाँ पे? अच्छा देखो जरा, हाइगेंस के अनुसार पहली बात क्या हमारी हुई, प्रकाश मतलब इन्होंने क्या कहा, प्रकाश एक मैकेनिकल वेव है, यानी कि प्रकाश एक यांत्रिक तरंग है, और यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इन्होंने कहा। अब देखो जरा, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो मतलब कि लोगों ने क्या बोला, लोगों ने बोला यार सूर्य से प्रकाश आ रहा है पृथ्वी पर, तो उसके बीच में तमाम ऐसी मतलब कि ऐसे जगह पड़ते हैं जहाँ पे कोई माध्यम नहीं है, फिर प्रकाश नीचे कैसे आ रहा है, लोगों का सवाल पैदा हुआ यहाँ पे। तो मतलब कि हाइगेंस ने इस सवाल से बचने के लिए इन्होंने कहा कि मतलब कि यह है जो माध्यम है ना, जो प्रकाश के लिए जरूरी चीज़ है, मतलब कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इन्होंने कहा कि यह जो माध्यम है यह पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, इसे ईथर कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। हाइगेंस ने बचने के लिए क्या बोल दिया कि जो मैं ब्रह्मांड के बारे में बता रहा हूँ, यह पूरे जो मतलब कि मैं क्या बता रहा हूँ, मैं
क्या मैंने बोला आपसे कि मैं माध्यम के बारे में बता रहा हूँ, वो पूरे मतलब कि ब्रह्मांड में फैला हुआ है, उसका नाम ईथर है। उसका नाम क्या है, उन्होंने दे दिया ईथर है। और ये अभी कह दिया कि इतना हल्का होता है ना कि इसको आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, इसको पहचान नहीं पाओगे। बहाना बना लिया यहाँ बढ़िया सा, चलो कोई बात नहीं। तो हाइजेंस की एक कमी थी, कमी नंबर मतलब पहली हमने बता दिया आपको, ठीक है ना। कमी नंबर पहला जो इधर उधर तमाम मनगढ़ंत कहानियां बना रहे थे। तो बट आपने लिखा होगा एट लास्ट अंत में अप्रूफ हो गया कि प्रकाश यांत्रिक तरंग नहीं है, अर्थात प्रकाश बिना माध्यम के भी चल सकता है। बाद में अप्रूव हो गया कि प्रकाश बिना माध्यम के भी बेटा चल सकता है जी, तो वहाँ पे हाइगेंस फेल कर गए। चलो अच्छा, अच्छी बात है। और हाइगेंस आपकी दूसरी कमी क्या थी, इन्होंने कहा था प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या है, प्रकाश एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्या बोला था इन्होंने, प्रकाश एक क्या बोला था, अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, अब आपके मन में सवाल होगा, तो आपने नीचे मैंने नोट्स में लिखा भी, आप पढ़ भी रहे होगे क्या होता है। प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है, अर्थात माध्यम के कण तरंग की दिशा में कंपन करते हैं। यानी कि बोला जा रहा है, मान लो ऐसे प्रकाश जा रहा है, प्रकाश तो वेव है ही, वेव के रूप में जाता है आगे, तो जो कण होते हैं ना, जो माध्यम के कण हैं, माध्यम के कण हैं ये, मतलब कि जिधर ये चल रहा है उधर ही कंप उधर उसी दिशा में कंपन करते हैं। ऐसे ऊपर नीचे नहीं करते, ऊपर नीचे नहीं करते, उसी दिशा में। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, अनुदैर्ध्य क्या होता है, कि जब माध्यम के कण उसी के चलने की दिशा में कंपन करें, जिम 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 करें, तो उसे क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग। इन्होंने यहाँ पे हाइगेंस साहब ने कहा था, बट अब देखो यहाँ भी इनकी बात गलत हो गई। ये असिद्ध बाद में असिद्ध हो गया कि ये प्रकाश जो है ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। और आप बिल्कुल इसके बारे में भली भांति जानते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसे बोलते हैं शॉर्ट में EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है ना। बाद में अशुद्ध सिद्ध हो गया। और इसका जो अगला वाला पार्ट है, मतलब कि अगला वाला पार्ट नहीं है, मतलब कि अगर आप अगर फिजिक्स फर्स्ट पार्ट में अंतिम वाला लेसन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ के आए हो, तो यहाँ पे भली भांति आपके मन में सारे विचार चले जाएंगे। लेकिन अगर नहीं पढ़ के आए हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसे जानिए कि जो प्रकाश होता है वह एक वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इसे साइड में EMW बोल सकते हैं। बट मतलब देखो यार, ये तो हो गया ना यहाँ पे, अर्थात इसमें यानी कि प्रकाश में बेटा इलेक्ट्रिक वेक्टर यानी कि वैद्युत क्षेत्र, मतलब कि इलेक्ट्रिक वेक्टर माने क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र कह सकते हो, और चुंबकीय वेक्टर कंपन करते हैं। यानी कि जो प्रकाश होता है ना इसमें दो लोग कंपन करते हैं, एक तो वैद्युत क्षेत्र करता है और एक क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र कंपन करता है। अगर आप वो मतलब कि फर्स्ट पार्ट का अंतिम वाला लेसन पढ़ के आए हो तो भली बात समझ रहे होगे, और अगर नहीं पढ़े के आगे तब आपको थोड़ी मोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन आप यह चीज जानते हो, मुझे बेशक पता है कि आप जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड व चुंबकीय फील्ड दोनों कंपन करते हैं। वह जो दोनों का कंपन होता है ना, वह प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत होता है। कहने का मतलब यह है, अगर मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जुम जाम कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इसके लंबवत जुम जाम कर रहा है। बी से दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ई से दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो देखो जरा क्या हो रहा है, ऐसे समझिए, यह देखो यह है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारा क्या मैग्नेटिक फील्ड। ब्लैक वाला पेन मैग्नेटिक है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये दोनों ऐसे ऐसे कंपन कर रहे हैं तो कण आगे जाता है। कण कहाँ जाता है, देखो ये दोनों कंपन कर रहे हैं तो कण आगे चला। देखो ये दोनों लंबवत हैं, लंबवत कंपन कर रहे हैं तो कण कहाँ जाता है, ऐसे कंपन करके आगे जाता है, ऐसे आगे जाता है, ठीक है ना। समझ गया हमारी बात को ना, ये देखो ए ई और ए बी, ये कंपन करके ऐसे 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 आगे निकल जाते हैं। यानी कि कह सकते हो यहाँ पे प्रकाश के संचरण की दिशा है, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, प्रकाश के संचरण की दिशा, प्रकाश के चलने की दिशा कह सकते हो, छोड़ो आप। तो इतनी बातें समझ गया ना, कि मतलब कि हाइगेंस आप तो यहां पे फेल कर गए। हाँ, हाइगेंस आपने मान भी लिया था, यस आई एम रॉन्ग, वो मान लिया था उन्होंने, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड और बी इसके चलने की दिशा के लंबवत है, ये एक्स अक्ष में है और ये वाई में है, जेड में, ऑटोमेटिक आपको दिख रहा है। तो इतना समझ वाली बात आई ना, और पहला वाला पेज भी हमारा क्या होता है, ख़त्म होता है। अब आते हैं बेटा दूसरे वाले पेज पे, दूसरा वाला पेज देखते हैं क्या कहता है। और दूसरे वाले पेज में अगर आप देख पा रहे होगे तो आपने नोट्स लिख लिया होगा, और आप काफ़ी हैप्पी भी हो गए होगे, तो कमेंट बॉक्स में बता दो कितना हैप्पी हुए हो, कितना हुए हो, एक बोरा हैप्पी,
ये क्या होता है बोरा, देखो कोई बात नहीं। अच्छा अगला हेडिंग है अध्रुवित व ध्रुवित प्रकाश, तो मतलब कि हम जानेंगे अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। तो पहला यहाँ पे है अध्रुवित प्रकाश, अब हेडिंग यहाँ पे क्या है साधारण या अध्रुवित प्रकाश, इसको जानते हैं। इतना तो समझ में आया ना आपको, ये मतलब कि इनकी कमियाँ समझ में आ गई कि ना तो अनुदैर्ध्य भैया, ये तो अनुप्रस्थ वास्तव में, ये क्या है वास्तव में देखो लंबवत चल रहा है ना, लंबवत चल रहा है ना, तो यह क्या हो गया यहाँ पे अनुप्रस्थ हो गया, यह क्या हो गया अब अनुप्रस्थ हो गया, ये दोनों लंबवत कंपन कर रहे हैं तब ये आगे भाग रहा है तो अनुप्रस्थ होता है, और यहाँ पे कर रहे थे ऐसी जुमझम करता तब आगे जाता है, तो यहाँ भी रंग हो गया ना बच्चों। अब देखो जरा साधारण या अध्रुवित प्रकाश, अब हम लोग जानेंगे वास्तव में ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं। तो अब यहाँ की हेडिंग है दूसरे पेज की पहली हेडिंग साधारण या अध्रुवित प्रकाश, इस बात को मैं मिटा दूँ कहो तो दम लगा के बोलोगे तो दम लगा के मिटा ही देंगे हम, क्या करना है जी। चलो संकल्पना तो हो ही रही है, खैर तो हम लोग जान रहे हैं साधारण अथवा अध्रुवित प्रकाश के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, और आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। यस सर, शोर मत करो नहीं तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा हमारा, इंटरेस्ट खत्म नहीं करने देंगे हम तो भैया तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा नोट्स लेके बैठे हो, क्यों बैठे हो, कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं बोलूँगा, मेरी आदत वही पुरानी वाली है, तुम लोग कहोगे यार सुधरा नहीं, सुधरेगा नहीं, है ना। देखो क्या लिखा है, मतलब कि साधारण प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश को मैं नॉर्मली बताऊँ ना, तो इसका जो स्रोत होता है ना, सोर्स से कहाँ से निकलता है, तो आपके घरों में जो बल्ब लगे हैं और सूर्य का प्रकाश है, और क्या है सूर्य का जो प्रकाश और किरण है ना, वह अभी क्या है एक अनपोलराइज्ड लाइट वेव है, ठीक है ना। अब लाइट बोलो चाहे वेव बोलो कुछ भी बोल सकते हो, वहाँ पे मतलब कि प्रकाश है तो वेव है। तो हमारे मतलब कहने का क्या है, जो बल्ब है आपके घरों में लगा है, जो सूर्य के प्रकाश की किरणें हैं, वो किरणें बोलो चाहे तरंग बोलो, मतलब कि वो सब क्या है अध्रुवित प्रकाश होते हैं, ठीक है ना। वो सब क्या होते हैं अध्रुवित प्रकाश होते हैं, मतलब कि इनका हमारी आंखों पर कोई विशेष चमक नहीं होता है, इन्हें कि इनको देखना, क्या अभी सूर्य के प्रकाश में आप कोई किताब देखते हो तो क्या आप चमकता है देख नहीं पाते हो, क्या देख लेते हो ना, क्योंकि वो अध्रुवित प्रकाश है, समझो बात को, मजा आने वाला है बिल्कुल। बहुत नहीं चमकता है, लेकिन अगर ध्रुवित रहेगा ना तो बहुत ज़्यादा चमकेगा हमारी आँखों के लिए, उस मतलब कि उसके उपस्थिति में हम किसी चीज़ को अच्छे ढंग से नहीं देख पाएंगे। खैर अभी इतना बातें मैं नहीं करूँगा, यहाँ पर देखो जो साधारण या अध्रुवित प्रकाश जो होता है ना, वो बल्ब से निकलता है, कह सकते हो जो आपके घर में नॉर्मल ट्यूबलाइट लगे होते हैं, बल्ब लगे होते हैं, और सूर्य का प्रकाश भी एक हमारे पास क्या किसका सोर्स है अध्रुवित प्रकाश का ही सोर्स है। अब देखो क्या लिखे हो, साधारण प्रकाश जो असंख्य स्वतंत्र तरंगों से मिलकर बना होता है, ये साधारण प्रकाश ही होता है, इन्हीं के द्वारा जो निकलता है, इनमें क्या होते हैं असंख्य स्वतंत्र तरंगों से मिलकर बना होता है, इस क्योंकि जानते हैं ये लाइट वेव है, तो जिनसे निकलने वाला लाइट है ना वो तो मतलब कि बहुत ज़्यादा असंख्य मतलब कि तरंगों से मिलकर के बना होता है, ठीक है ना। देखो अब इसमें क्या लिखा, साधारण प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन, वैद्युत वेक्टर, अब एक बात और जानिए, इस पोलराइजेशन में हम केवल क्या पढ़ेंगे वैद्युत वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे केवल वैद्युत वेक्टर पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, खाली हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे आने के, में वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में समान होते हैं, ये क्या बोल रहा है। अब देखो मान लो कहने का मतलब ये फिगर नीचे देखिएगा, फिगर जो मैंने बनाया है बढ़िया से देखना उस फिगर को, मान लो ये प्रकाश चल रहा है, ये क्या है प्रकाश के संचरण की दिशा, मैं लिख रहा हूँ प्रकाश के संचरण की दिशा, समझ में तो आ रहा है ना जी, समझ में नहीं आ रहा है क्या, नहीं आएगा तो बता ही दियो भैया, क्या बोला मैंने साधारण प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के, अब देखो यहाँ पे क्या है मतलब साधारण प्रकाश है जा रहा है, मतलब कि इसमें वैद्युत वेक्टर मिला हुआ है, ऐसा जानिए आप अभी कंपन, जिसमें मतलब कि जो यहाँ पे वैद्युत वेक्टर कंपन कर रहा है, अभी मैं मतलब कि मैग्नेटिक की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, अभी आप जानिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपन जो कर रहा है, मैग्नेटिक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप सभी जानते हो राइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, वहाँ पे ई और बी दोनों कंपन करते हैं, बट यहाँ पे खाली हम ई की चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे साधारण प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में समान होता है, सभी दिशाओं में क्या होता है समान होता है, यानी कि सममित होता है, कहने का मतलब ये जानिए ना, सभी दिशाओं में क्या होता है ऐसे जानिए, समान मतलब कि सभी दिशाओं में सममित होता है, सभी
दिशाओं में सममित होता है। अभी देखो तो अभी मैं दिखा रहा हूं, परेशान ना होइए भैया। इस प्रकाश को अद्वित प्रकाश कहते हैं। अब क्या बोल रहा है, प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत तल में, अगर मान लो यहां पे मैंने कोई बनाया लंबवत तल बना दिया, ये मजा आ गया बरखुरदार। अब देखो यार, एक क्या है, प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत तल हमने खींच लिया। अब हमको जो बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपन, यानी कि इलेक्ट्रिक वेक्टर का कंपन, यानी कि देखो जरा, मतलब कि आप समझिएगा हमारी बात को, यहाँ पे सममित होना चाहिए, यानी कि असंख्य होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ये देखो, ये सीधा सीधा ऐसे आया ना, ए कुछ ऐसा आएगा, देखो मतलब कि अब ऐसे देखो जरा, ए ऐसा आएगा, ए ऐसा भी आएगा, और ए ऐसा भी आएगा, और ये क्या है, ऐसा भी आएगा, यानी कि इधर है तो इधर, जितना इधर है उतना इधर है, यानी कि एक पूरा लाइन को खींचना पड़ेगा। यही होता है कि अगर ये मतलब कि हमारे पास कोई साधारण लाइट जा रही है, अद्वित प्रकाश कोई जा रहा है, अगर किसी तल पे लेके हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपन देखना चाहें, इलेक्ट्रिक वेक्टर का कंपन देखना चाहें, तो कंपन क्या होगा, यह बड़ी भयानक होगा और सममित होगा। सममित मतलब क्या, देखो अगर यहाँ पे कह सकते तो ऊपर वाले में एक दो तीन चार पाँच, तो नीचे वाले में एक दो तीन चार पाँच, यहाँ एक और यहाँ एक, ये होता है सिमेट्रिक होता है, इतना होना चाहिए इसके पास। असंख्य होते हैं, ये क्या होते हैं, असंख्य होते हैं, ठीक है ना। और इनकी चमक, चूंकि ये चारों ओर से पसरे पड़े हैं, तो इनकी चमक हमारी आंखों पर बहुत प्रभाव नहीं डालती है, ठीक है ना। इनकी उपस्थिति में हम कोई चीज बढ़िया से देख सकते हैं, इतना आप समझ गया ना। ये होता है अद्वित प्रकाश, यही क्या होता है बच्चों, अद्वित प्रकाश होता है, यही क्या होता है, अद्वित प्रकाश, समझ गया ना। आपसे कोई पूछेगा अद्वित प्रकाश क्या होता है, तो बोलिएगा यदि प्रकाश के संचरण की दिशा में कोई लंबवत तल रखा जाए, तो उस तल में जो इलेक्ट्रिक वेक्टर का कंपन है वह सभी दिशाओं में समान रूप से पसरा हुआ है, तो हम बोलेंगे क्या है, अद्वित प्रकाश है। क्या बोलेंगे यहाँ पे, अद्वित प्रकाश है, ठीक है ना। अब देखो जरा, यहाँ पे हमने अगला टॉपिक उठाया है ध्रुवक। ध्रुवक क्या होता है, मैं यहाँ पे बताता हूँ पहले आपको, ध्रुवक, ध्रुवक क्या है, इसे बोलते हैं पोलराइजर, क्या बोलते हैं, POLARISER, या पोलराइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोलराइड, POLARIOD। अब चाहे बोलो पोलराइजर, चाहे बोलो क्या, पोलराइड, या एक डिवाइस होती है बच्चों, यह क्या होती है, एक यंत्र होता है, एक युक्ति होती है, एक जुगाड़ होता है, जो इस अद्वित प्रकाश को ध्रुवित बनाता है। यह क्या होता है, जुगाड़ होता है जो अद्वित प्रकाश को क्या बनाता है, जो अद्वित प्रकाश को क्या बनाता है, ध्रुवित बनाता है। और यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिखे हैं उन डिवाइसों के, कह सकते हो जैसे टूरमैलिन क्रिस्टल होता है, निकोल प्रिज्म होता है, पोलेरॉइड होता है, ये सभी होते हैं। आपने केमिस्ट्री में हो सकता है 11वीं में पढ़ा होगा इसके बारे में, टूरमैलिन क्रिस्टल के बारे में या निकोल प्रिज्म के बारे में, ठीक है ना। तो यह एक ऐसा यंत्र होता है जो अद्वित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश के रूप में बदलता है। अब और अर्थात जानते हो, यहाँ पे लिख सकते हो अर्थात प्रकाश तरंगों को, अर्थात प्रकाश तरंगों को यह विशेष दिशा प्रदान करता है, यह विशेष दिशा प्रदान करता है। यहाँ पे देखो जिग 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 चारों ओर फैले हुए हैं। अब इनको एक पर्टिकुलर अगर डायरेक्शन मिल जाएगा तो ये बन जाएंगे, ध्रुवित बन जाएंगे। और जो पोलराइड होता है ना, कुछ ऐसा होता है, देखो ये अभी पोलराइड है और ये अभी पोलराइड हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे पतली पतली धारियाँ बनी होती हैं, ये क्या होती हैं बच्चों, पतली पतली धारियाँ बनी होती हैं। मैं दिखाता हूँ इसका यूज़ कैसे होता है। यहाँ पे या तो ऐसे धारियाँ हो सकती हैं, या तो इन्हीं को ऐसे घुमा दो, इन्हें घुमा दो कि धारी ऐसे बन जाएगी, ठीक है ना। ये रोटेट कर दिया इनको पूरा पूरा, मतलब कि ऐसे था, ऐसे था, हे पड़े धारी लग रहा था, ऐसा घुमा दिया, हे पड़े धारी लग रहा है। अब इन्हें बोलते हैं ध्रुवक के अक्ष, जो ये धारियां आप देख रहे हो ना, इसे क्या बोलते हैं, ध्रुवक का अक्ष, यानी कि पोलराइड का एक्सिस है। यह क्या है, कह सकते हो सर लंबवत है और क्या हॉरिजॉन्टल है, या परपेंडिकुलर और क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई ना, ध्रुवक क्या होता है और अद्वित प्रकाश क्या होती है। ध्रुवक क्या करेगा, अद्वित प्रकाश को क्या बनाएगा, ध्रुवित बनाने वाला है। अब देखो जरा प्रेक्षण, कह सकते हैं यहाँ पे देखो प्रेक्षण,
चिंता ना करो, सब मैं बताने वाला हूँ, सब एग्जांपल तुम मतलब सारी परिभाषाएं भी लिख चुके होगे अब तो। अब देखो मान लो, सपोज करो भैया, यह क्या जा रहा है, यह हमारे पास जा रहा है एक तरंग, प्रकाश के संचरण की दिशा बोलो चाहे बोलो तरंग के संचरण की दिशा बोलो, बात तो एक ही है ना, यही चीज़ यहाँ पे लिख देना आप आराम से। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो यहाँ पे मैंने एक लंबवत चीज लटका दी, लंबवत अब चाहे गोलाकार हो चाहे वृत्ताकार हो, मतलब चाहे वृत्ताकार हो चाहे आयताकार हो चाहे वर्गाकार हो, ऐसे लगा दिया हमने। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मतलब कि अद्वित प्रकाश आ रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, एक अद्वित प्रकाश आ रही है ऐसे, एक कुछ ऐसा, एक कुछ ऐसा, एक कुछ ऐसा, ठीक है ना। अब देखो बच्चों क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अगर सपोज करो हम पोलराइड लगा दें, यहाँ पे एक पोलराइड लगा दें, पोलराइड मतलब कि गोला वृत्ताकार हो, यह भी जरूरी नहीं है, किसी भी आकार का भी हो सकता है। अगर मान लो हमने ऐसे खड़ा खड़ा पोलराइड लगा दिया, सपोज कर दे, ध्यान से मेरी बात देखना है, ऐसे अगर मान लो ऐसे ये वाला पोलराइड लगा दिया हमने, तो क्या होने वाला है, अब बताओ यहाँ से प्रकाश ऐसे आएगी, यहां से प्रकाश क्या होगा, ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे जाएगी। तो बताओ यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं ना, इकट थोड़ी जुम जाम करके, इकट थोड़ी यहाँ पे बहुत तमाम असंख्य लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अब यहाँ देखो ये अब ऐसे ऐसे रखा है, ऐसे रखा है रॉड बीच बीच में पड़ा हुआ, यहाँ से कई लोग जा रहे हैं, तो जो ये वाला वेव होगा ना, ये वाला जो मतलब कि वेक्टर होगा ना, ये फटाक से इनको पार करके निकल जाएगा, इनको तो छेद मतलब कि वो तो इसी के बीचों बीच पड़ जाएगा ना। सपोज करो ये वाला इसे जाएगा, कटे वाले में से कट बीच से निकल जाएगा, ये पूरा निकल जाएगा। लेकिन यार जो एक तिरछा वाला है, तिरछा वाला तो नहीं जाने देगा, ऐसे कटा देखो, ऐसे समझ सकते हो ये चारों कटे हुए हैं, जो ऐसे जाएंगे सीधे निकल जाएंगे, लेकिन जो तिरछे हैं ना उनको जाने में बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है और वो नहीं जा पाएंगे, है ना। और अब देखो यार अब तिरछा वाला नहीं जा पाएगा, तो तिरछे वाले के लिए फ़ायदा है ना, ये हमारा मतलब ये छेद है, तिरछा वाला ऐसा है, तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट लंबवत कंपोनेंट, इसका लंबवत कंपोनेंट निकालोगे अगर, तो ये वाला पहुंच जाएगा। कंपोनेंट घटक तो निकाल सकते हो ना, तिरछा जा रहा है थीटा एंगल पे कंपोनेंट तो निकल जाएगा, लेकिन जो ये वाला बिल्कुल जो हाई वाला पसरा हुआ है, हाई वाला ये तो बिल्कुल नहीं जा पाएगा, क्योंकि हाई से सीधे पड़ रहा है, जा पाएगा इसका कंपोनेंट वो नहीं मिलेगा, इसका कंपोनेंट भी तुम नहीं पाने वाले हो, समझ गया ना। यानी कि अब बताओ भैया इसका कंपोनेंट क्या होने वाला, इसी तल में इसका कंपोनेंट बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, तो उस तिरछा थीटा उठा एंगल बनता है तब कंपोनेंट निकलता है ना बच्चों। तो यहाँ पे कह सकते हो ऐसा खड़ा खड़ा दो चार लोग आएंगे, अब देखो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन इनको मिल गया ना, यहाँ पे क्या मिल गया, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन मिल गया इनको। देखो कुछ मतलब खड़े खड़े वाले पूरे आ जाएंगे और जो तिरछे वाले हैं उनके वर्टिकल कंपोनेंट आगे निकल जाएंगे, यानी कि यहाँ पे हमको ऐसा कुछ दृश्य देखने को मिलेगा, है ना, समझ गया हमारी बात को ना, ये इसी को बोलते हैं। अब देखो जरा अब ध्रुवित प्रकाश की परिभाषा अगर आप लिखे हो तो लिखा होगा आपने, प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, ये ऐसे जा रहा है और आई वाला ऐसे है और कंपन वाला हाई वाला है, तो लंबवत एक किसी विशेष दिशा में, किसी एक विशेष दिशा में कंपन करते हों तो हम क्या बोलेंगे, यह जो प्रकाश है ना अब यह हो गया ध्रुवित, अब यह क्या बन गया, यह पोलराइज्ड हो गया, समझ गया ना, इसी को बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं रेखीय ध्रुवित बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेखीय ध्रुवित, रेखा वाला खाली, या फिर इसी को बोलते हैं समतल ध्रुवित, समतल मतलब होता है प्लेन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल, समझ गया ना। अब यह भी समझ गया, अच्छा एक बात और देखो जरा, मान लो सपोज करिए बच्चों इस वाले पोलराइज्ड को मैं घुमा दूं, अब सपोज करो यहाँ देखो जरा इस बात को, यहाँ देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक अद्वित प्रकाश है, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है ना, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक पोलराइड है, इसको मैं ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे तो ऐसे रोटेट कर दिया, अब देखो क्या होने वाला, या 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 या, अब देखो क्या होने वाला है, मजा आने वाला है, और क्या होने वाला है,
इसका जो अक्ष है ना ये ऐसे है, मतलब कि प्लेन वाला है। अब की ऐसे बार, तो अब की बार क्या होगा, जो अब की हाई वाला जा रहा है ना, हाई वाला, हाई वाला, अरे अरे मतलब 3D में बन रहा है ना, कुछ ऐसा बना होगा, कुछ ऐसा, कुछ इस आकार का बना होगा, ऐसे ऐसे वाला ना। अब देखो ये अगर जाएंगे ए वाला, ए वाला, अब ऐसे वाला जो होगा ना वह इनको चीर करके निकल जाएगा, ए वाला, ए वाला इनको मतलब कि आराम से जगह पाएगा, निकल जाएगा। अब की बार ये निकल गया, अब ए वाला निकल गया, तो इसको कैसे दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं बिंदु के रूप में, बिंदु के रूप में, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यह तरंग के संचरण की दिशा है, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा अपना। और ये हमारा जो हाई वाला प्लेन वाला निकला है ना, जो इसके अलोंग है, इसके अलोंग यही वाला जाएगा, और जो खड़ा वाला है ना, खड़ा वाला, अब ऐसे जाना, खड़ा वाला आपके बिल्कुल नहीं जा पाएगा। और जो तिरछे वाले हैं ना, उनका भी लंबवत ऐसे, अब की बार ऐसे है, जो तिरछे मान लो ऐसे पड़ेंगे, ऐसे जो पड़ेंगे उनका भी लंबवत कंपोनेंट गुजर जाएगा, यानी कि यहाँ भी कुछ यहाँ पे मिलेगा हमको, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे खड़ा वाला बिल्कुल नहीं जा पाएगा, तिरछे वालों का लंबवत कंपोनेंट जाएगा, और जो हाइशे वाले वो पूरा निकल जाएंगे। यहाँ पे लंबवत वाला जा रहा, अब देखो हालांकि यहाँ पे लंबवत वाला जा रहा था, ये सीधा वाला बिल्कुल नहीं जा पा रहा था, तिरछे वालों का वर्टिकल कंपोनेंट जा रहा था। ये अभी देखो तरंग के संचरण की दिशा की अभी लंबवत है, देखो तरंग आगे चल रहा है और ये ऐसे है, ये ऐसे है, और यहाँ पे तरंग आगे चल रहा है, ये ऐसे है, यहाँ पे वाला ऐसे अभी लंबवत है, और यहाँ वाला क्या ऐसे अभी लंबवत है, समझ गया ना। ये होता है अद्रवित और ध्रुवित प्रकाश, ये होता है अद्रवित और ये पोलराइड बना दिया ध्रुवित, ये होता है अद्रवित पोलराइड लगा क्या बना दिया ध्रुवित बना दिया। ये फिगर आपको याद होना चाहिए और आपको बनाने आना चाहिए। अब देखो बच्चों अगला है आंशिक ध्रुवित, यानी कि पार्शियली पोलराइज लाइट। आंशिक ध्रुवित क्या होता है इसको भी देख लेते हैं, अच्छा पार्टी समझ में तो आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो हल्ला करके बताए दो यार, आ रहा है सर जी, हल्ला करके नहीं बताओगे तो फिर बरखुरदार। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, पढ़ो अच्छा बढ़िया से पढ़ो, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में तो आ ही रहा होगा, समझ में कहा नहीं आएगा, लेकिन तुम लोग सोच रहे हो यार सुधरेगा नहीं, तो सुधरेगा बिल्कुल नहीं, हल्ला तो करवाएगा हमसे। अच्छा कोई बात नहीं, शोर नहीं करेंगे, तुम भी शोर ना करो, चुप चुप बोलना नहीं, चुप कैसे पढ़ाऊंगा भाई, नहीं बोलूंगा तो मैं। अब देखो जरा आंशिक ध्रुवित प्रकाश क्या लेके आया है, आंशिक ध्रुवित प्रकाश ये है पार्शियली पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है ना। ये कैसे होने वाला है, ये देखो जरा क्या होता है, जो आंशिक ध्रुवित प्रकाश होते हैं ना, अब देखो यदि प्रकाश में कंपन संचरण की दिशा के लंबवत एक से अधिक दिशाओं में हो, परंतु सभी दिशाओं में ना हो। अब मान लो भैया ये हमारा संचरण की दिशा है, प्रकाश के संचरण की दिशा, प्रकाश के संचरण की यह दिशा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो लाइट आने वाला है ना वो कुछ ऐसा आता है। अब देखो जरा ए वाला आया, ए वाला आया, ये सिमेट्रिक नहीं होते हैं ना, ये सममित नहीं होते हैं, ये सममित नहीं होते हैं, ये सममित नहीं होते हैं। जो अद्रवित था वह सममित था, लेकिन जो आंशिक वाला है ना ये सममित नहीं होता है। देखो अब ये वाला कंपोनेंट है ही नहीं इनके, मतलब यह वाला है नहीं, अगर सिमेट्रिक है तो मतलब यह वाला भी तो होना चाहिए था, सिमेट्रिक माने होता है जितना इधर उतना इधर, जितना इधर उतना इधर होना चाहिए था। लेकिन अब कह सकते हो ये हवाला भी इनके हवाला इनके पास तो है ही नहीं, ये हवाला इनके पास तो है ही नहीं, मान लो कि कोई है गायब कही दे तो अब देखो अब ये सिमेट्रिक थोड़ी बोला जाएगा, इसे सिमेट्रिक नहीं बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ना 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 ना, इसको सिमेट्रिक हम लोग नहीं बोलेंगे। चारों ओर से सिमेट्रिक का मतलब क्या, हमारे इस वाले डेफिनेशन में चारों ओर से बहुत ज़्यादा होता है, अगर सममित चारों ओर से बहुत बढ़िया से है तो उसे हम बोलेंगे क्या, उसे बोलेंगे अनपोलराइज्ड, यानी ये अद्रवित बोलेंगे। बट यहाँ पे आप देख सकते हो दो ही लोग हैं यहाँ पे, ये हवाला कहाँ गया, ये हवाला कहाँ गया, ये हवाला सब कहाँ गए, यानी कि जब ये बहुत कम होगा ना, यानी कि अगर सिमेट्रिकल नहीं है उसे क्या बोलते हैं, आंशिक अद्रवित प्रकाश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आंशिक ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। अब हम तुमको दिखाने वाले हैं बढ़िया से एक बढ़िया प्रैक्टिकल, देखो अब ध्यान पूर्वक एक क्या देखो बढ़िया सा प्रैक्टिकल आपको मैं दिखाता हूं। चलो मान लिया कोई कह दिया कि हमारे पास ये प्रकाश की वेव आ रही है, बता दो इसमें से कौन सा पोलराइज है और कौन सा अनपोलराइज है और कौन सा पार्शियली पोलराइज है, देखो जरा चेक करना है। अब हाउ टू चेक, कैसे चेक करेंगे, मतलब कि एक हमारे पास वेव है, हमारे पास क्या है, एक वेव है, चेक करना है
कि वेव है तो पोलराइज्ड है। चलो पहले लिखते हैं अनपोलराइज्ड, UNPOLARISED, अनपोलराइज्ड है यानी कि भैया अध्रुवित होता है, क्या होता है अध्रुवित होता है, ठीक है ना। कि पोलराइज्ड है यानी कि इसके माने होता है ध्रुवित, ठीक है ना। कि बच्चों ये पार्शियली पोलराइज्ड है, यानी ये आंशिक ध्रुवित प्रकाश है, और ये आज का अंतिम टॉपिक भी है, ठीक है ना। चेक करना है, चेक डिवाइस से। पोलराइज्ड देखो ये चारों से पसर के आता है तो हमारी आंखों पर प्रभाव नहीं डालता है, ये इक्के ओर से ऐसे भर जाता है तो हमारी आंखों में मतलब परावर्तन के जैसा कुछ होता है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, मतलब कि इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है ऐसे कह सकते हो, इसकी इंटेंसिटी क्या हो सकती है कम हो सकती है, यानी कि चारों से पसर के बैठा है, समझना मेरी बात को, चारों से पसर के बैठा तो हम कोई चीज भली भांति देख सकते हैं, ये हमारी आंखों पर सीधे दिशा में आ रहा है ना, पड़ जाएगा तो हम मतलब कि चकाचौंध वाला सिस्टम हो जाएगा, ये थोड़ा कम होता है। अब देखो इसको चेक कैसे करेंगे, है ना। अब क्या करते हैं अनपोलराइज लाइट में क्या करेंगे बच्चों, देखो जरा क्या होने वाला हमारे पास है। मान लिया इसको मैं बता रहा हूँ, इस तरंग के हमारे संचरण की दिशा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है कोई अध्रुवित प्रकाश है, ऐसा कुछ क्या है हमारे पास कोई अध्रुवित प्रकाश है। चलो अभी समझो बात हमें समझना क्या मैं बोल रहा हूँ, चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे पोलराइड, क्या लगाएंगे यहाँ पे, एक लगाएंगे पोलराइड, पोलराइड यहाँ पे लगा दिया, ठीक है ना, ध्रुवक जी बोलते हैं, ध्रुवक बोलते हैं। अब यहाँ पे बच्चों हमने लगा दिया पोलराइड लगा दिया, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, अगर मान लो ये वाला पोलराइड से लगा हुआ है लंबवत वाला ऐसा कुछ, तो अभी आप देखे हो ना कि यहाँ पे कुछ लोग आ जाएंगे, यहाँ पे ऐसे आएंगे, और मैं आपको रियलिटी बताऊं, समझना हमारी बात को बढ़िया समझना, यहाँ पे होगा क्या कि इतने वाले खड़े वाले पूरे निकल जाएंगे, है ना। ये है वाला जो वर्टिकल है, सपोज करना, ध्यान देना मेरी बात का, सपोज करो ये 45 डिग्री पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ 45 डिग्री पे, ठीक है ना। तो इनका जितना हॉरिजेंटल कंपोनेंट है उतना वर्टिकल कंपोनेंट होगा, है ना। अगर ऐसे है तो 45 पे अगर है तो जितना वर्टिकल उतना हॉरिजेंटल होगा, समझे हमारी बात को, नहीं समझे समझ गया, चलो अच्छी बात है। आगे देखो क्या होने वाला है, अब देखो अभी कमाल की बात होने वाली है। सपोज करो यार ये ऐसा कुछ रखा है, तो अब की बार देखो समझ सकते हो ये हॉरिजेंटल से तो ज्यादा लंबा दूर है और वर्टिकल से बहुत कम है, यानी कि अब की वर्टिकल वाला ज्यादा होगा हॉरिजेंटल वाला कम होगा। अरे भाई ये वर्टिकल के बिल्कुल पास है ना, अगर हॉरिजेंटल से 60 बना रहा है तो यहां से 30 बना रहा है, तो वर्टिकल ज्यादा है हॉरिजेंटल कम है। लेकिन यही घटना सेम इनके साथ भी घट रही होगी ए वाले के साथ, क्योंकि यहाँ पे वाला 60 बना रहा है, वर्टिकल वाला 30 बना रहा है, समझना मेरी बात। अब की ओरिजेंटल कितना खाया, 30 खाया, वर्टिकल 60 खाया, पिछली बार क्या था ये 60 खाया था या 30 खाया था, यानी कि मेरे कहने का मतलब यही है ना बेटा, सब कुछ बराबर बराबर चल रहा है, जितना ओरिजेंटल है उतना क्या है वर्टिकल है, बीच वाला तो बराबर समझ में आ रहा है। लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि मान लो ये वाला मैं रख दूं तो वर्टिकल ज़्यादा खा लेगा या कम खाएगा, तो यह बात बिल्कुल मत सोचना, क्यों, क्योंकि बेटा अभी रुको, अभी अब ये वाला यहाँ वाले केस में क्या हो रहा है, अब कि ओरिजेंटल कम खा रहा है वर्टिकल भी खा रहा है, तो कम ज़्यादा हर जगह लगा रहेगा। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी समझो हमारी बात को, अगर मान लो यहाँ पे आपने लाइट की इंटेंसिटी नाप ली, यहाँ पे क्या नाप ली, अब आप समझ सकते हो यहाँ पे जितने भी हॉरिजेंटल लोग हैं नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये वर्टिकल है, हॉरिजेंटल वाले को नहीं जा पाएंगे। अगर मान लो यहाँ पे हमने लाइट की इंटेंसिटी नाप ली हो, ये आई नॉट हो, ये कितना हो आई नॉट हो, तो ये हवाला कितना आएगा, आई नॉट बाई टू आएगा, कितना आएगा आई नॉट बाई टू, यानी कि इसकी इंटेंसिटी का यह आधा होगा,
हालांकि चमकीला तो होगा क्योंकि सीधे दिशा में आ रहा है ना, लेकिन इसकी इंटेंसिटी का यह जस्ट आधा होगा, क्योंकि समझ सकते हो आधा कौन, देखो ये वाला तो पूरा चली जाएगा, और इन सबों में आधा कौन खा रहा है, आधा वर्टिकल खा रहा है, आधा ओरिजेंटल खा रहा है, आधा कौन खा रहा है वर्टिकल, आधा ओरिजेंटल। और मैं इसीलिए कह रहा था ये वाला तो भरपूर है कि ओरिजेंटल 45 पे अगर होगा तो ओरिजेंटल मान लो 50 खा था, वर्टिकल 50 खाएगा, बराबर बन गया। लेकिन बच्चे सोचते हैं ये वाला कितना होगा, अगर ये वाला मान लो 30 है तो 80 है, ये अगर इतना दूर है 30 खाएगा तो ये 80 खाएगा, तो यहाँ वाला समझो ना, जब भाई वाला ऐसी बनेगा तो अब कि भाई 30 खाएगा भाई 80 खाएगा, बराबर बनेगा। यानी कि अगर नापोगे ना तो समझ सकते हो आई नॉट, अगर यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी है तो ये कितना होगा, आई नॉट बाई 2 होगा। तो हम भटाक से बताएंगे क्या है ये, एक मतलब कि अनपोलराइज लाइट है। तो पोलराइट की सहायता से हम क्या करेंगे, पहले इस वाले को नापेंगे, अगर ये आई नॉट आता है जो भी आता है, और बाद वाला जो है वह इसका आधा आता है, तो हम क्या बोलेंगे ये मतलब कि अनपोलराइज लाइट है। अब एक बात समझो जरा, मैं इसको रोटेट करता हूं, रोटेट कर दो इसको, थोड़ा घुमा दो, अब की बार क्या होने वाला है, अब मैं इसको बार बार नहीं बनाऊंगा, ये बन जाएगा। अब मान लो घुमाए 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 ऐसे आ गए, तो क्या होगा, तो क्या होगा, अब की बार कितना भी तुम घुमा दो इनको ना, हर बार, अरे भाई साहब तुम मान लो इनको थोड़ा रोटेट किए तो तिरछा वाला आएगा, तब वो आई नॉट बाई 2 आएगा। और तिरछा किसी भी कंडीशन में, चाहे तुम 1 डिग्री घुमाओ, चाहे 2 डिग्री, चाहे 3 डिग्री, कैसे घुमाओ, कितना आएगा, आई नॉट बाई 2 आएगा। और घुमा दोगे तब भी यहाँ पे जो हाई इंटेंसिटी आएगी ना इस लाइट की, वो अभी आई नॉट बाई 2 आएगी, क्योंकि अब की बार हाई वाले सारे गुजर आएंगे और इन सब का आपके ओरिजेंटल कंपोनेंट जाएगा, वर्टिकल खत्म हो जाएगा, वर्टिकल जो ऐसी पड़ेंगे वो नहीं आएंगे, और जो घसी आएंगे कंपोनेंट वो गुजर जाएंगे आराम से, अभी आई नॉट बाई 2 आएगा। यानी कि पोलराइट को दो केस करने हैं, दो बार करना है काम, एक बार ऐसे नापना है और एक बार घुमा के नापना। अगर आई नॉट बाई 2 आ रहा है तो दैट हम क्या बोलेंगे, जो लाइट है ना अनपोलराइज्ड है, ठीक है ना। अब देखो अगली बात क्या हो रही है, पोलराइज्ड में क्या घटना घट रही है। मान लो पोलराइज्ड हमारे पास कोई लाइट है, समझ सकते हो, ये देखो जरा पोलराइज लाइट समझ सकते हो कैसा होता है। पोलराइज लाइट यानी कि एक दिशा इनके पास होती है, यही वाली, चलो मान लिया ये वाला है, और यहाँ पे हमने लगा दिया पोलराइड, यहाँ पे क्या हमने लगा दिया बच्चों, लगा दिया पोलराइड, लगा दिया ऐसा 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 ऐसा। अब क्या होने वाला है, अब पूरी, अरे भाई जैसे ही है वैसे ऊ है, कुल निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी आएगी, अगर यहाँ पे आई नॉट है तो यहाँ भी कितनी आएगी, आई नॉट ही आएगी। और सपोज करो यार इनको घुमा दिया, सपोज करो अब की बार ये रोटेट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, अब रोटेट कर दोगे तो क्या होने वाला है, अब की बार देखो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, इधर की इंटेंसिटी कुछ ऐबा नहीं करेगी, यानी कि आई ना आई का मान कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। तो अगर ऐसा केस आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड है, या कैसा है, ध्रुवित प्रकाश हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो अगला वाला है पार्शियली वाला, तो पार्शियली की बात ही अगर अजीब तरह की है, यह सब क्या है, यह प्रकाश के संचरण की दिशाएं हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है कि ऐसे गुजरेगा, ऐसा 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 ऐसा। अब यहाँ पे क्या लगा है, डिटेक्ट मतलब कि पोलराइड कह सकते हो लगा हुआ है, तो अब की बार समझ सकते हो बच्चों। अच्छा बताओ यहाँ पे ज़्यादा तरंगे हैं कि यहाँ पे तरंगे ज़्यादा हैं, तो कह सकते हो ऑटोमेटिक यहाँ पे तरंगे ज़्यादा, यहाँ पे तरंगे कम होती हैं उनकी अपेक्षा, क्योंकि सिमेट्रिक बनते नहीं हैं। अब समझो हमारी बात को, अगर ये गुजरेगा ना तो ये अभी ऐसे गुजारेगा लेकिन थोड़ा सा कम गुजारेगा, समझना हमारा, क्योंकि इसके पास कम तरंगे हैं तो कम को ले जाएगा, कम तरंगे हैं कम को पास करेगा, तरंगे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे तीव्रता बनी, यहाँ पे कम बनी। यानी अगर यहाँ पे आई नॉट है तो यहाँ पे आई नॉट बाई 2 नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, इससे भी कम बनेगा, I नॉट बाई 2 से भी क्या बनेगा, कम बनेगा। अगर I नॉट बाई 2 आ रहा है तो पोलराइज अनपोलराइज्ड है, 0 आ रहा है तो पोलराइज्ड है, और अगर ये कह सकते हो कि I नॉट बाई 2 से कम आ रहा है तो क्या है, पार्शियली पोलराइज्ड है। चलो मान लो इनको भी रोटेट कर दिया, अब इनको रोटेट करने पर भी क्या पाओगे, रोटेट करोगे ना, ये रोटेट देखो अब की बार रोटेट किया, ऐसा 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 ऐसा, तो यह 0 थोड़ी होगा, इनकी तरह जीरो नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें हाई वाले कंपोनेंट जैवे करेंगे, ए वाले यहाँ ए वाला तो हमारे नहीं लिया हमने ना, ए वाला कंपोनेंट का ओरिजेंटल तो जाएगा, ये जाएगा हालांकि कम जाएगा, इसका मान आई नॉट बाई 2 से क्या आएगा, कम आएगा, है ना, आधे से भी कम आएगा।
तो उम्मीद करते हैं हमारा पहला लेक्चर आपको बहुत भली भांति समझ में आया होगा, है ना। और अगर समझ में आया है तो फटाक से बता दो, अगले वाले वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ आपको मैलस लॉ। तो फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो, और उम्मीदों की किरण के साथ अपनी फैमिली की अपनी सुरक्षा बढ़िया से करो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे बच्चों अगले वीडियो में, पढ़ाई मेंटेन से मेंटेन ढंग मतलब ढंग से करते रहिए, तब तक के लिए आप फिर से मुस्कुरा दीजिए, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।